हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे बिगिन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक गेम सजेस्ट किया था मुझे मेरे दोस्तों ने कि ये गेम जरा खेले आप। तो आज मैंने सोचा कि आमिर को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये गेम जरा खेलते हैं। तो इस गेम का नाम है आमिर द इम्पॉसिबल क्विज। ओके, तो मतलब क्या वो आपको दोस्त गेम भी सजेस्ट करते हैं कि आप गेम खेला करो? हाँ, ये ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि ये गेम जरा खेलें। तो इस गेम का नाम है द इम्पॉसिबल क्विज। तो आपके माइंड में क्या आता है कि ये किस तरह की गेम होगी? मेरे माइंड में इससे आ रहा है द इम्पॉसिबल क्वेस्ट से कि ये कुछ ऐसे सवालात और जवाबात का गेम होगा, लाइक के आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे और आप उसको जवाब देंगे, मे बी कि वो ट्रिकी क्वेश्चंस हो। अच्छा, हाँ, मुझे बताया गया है कि ये थोड़ा सा सिली सा गेम है। मतलब कि कुछ अच्छा क्वेश्चंस इसके ऐसे होते हैं जो कि कोई सेंस नहीं बनाते, लेकिन वो बस क्वेश्चन होते हैं और बस उसके आंसर होते लेट्स हैं। सी। तो चलें देखते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरह की गेम है ओके, ये। अब तो आपने मुझे घेर ही लिया, तो चलो स्टार्ट कर लेते चलें हैं। जी, बिगिन। अच्छा जी, स्प्लैप मी डू। Splap me do's अच्छा better। जी, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। इंस्ट्रक्शन ही है। अच्छा, ट्राई टू बीट द क्विज बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। इट्स अ सिंपल। अच्छा, इट्स एज सिंपल एज दैट, और इज इट? द ओके क्वेश्चंस आर फार फ्रॉम इजी। ओके सम रिक्वायर इनसेन लॉजिक, अदर्स आर कंप्लीटली डाउन टू गेसिंग। गेसिंग इट्स इट्स हार्ड। हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यू ऑलराइट। हैव 3 लाइव्स थ्रू आउट द क्विज। गेट एन आंसर इनकरेक्ट एंड यू विल लूज वन, लूज ऑल 3 लाइव्स एंड इट्स गेम ओवर। वैसे इतनी बहुत है। यार अच्छा, मैं कहता हूँ स्किप कर सकते हैं और बॉम्ब जो है बॉम्ब से बचेंगे। चलें जी, चलो स्टार्ट करते स्टार्ट कर हैं। लेते स्टार्ट हैं। स्टार्ट 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 करते हैं। सो द फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन जी, इज हाउ हाउ मेनी मैनी होल्स होल्स इन इन अ अ पोलो? पोलो। हाउ मैनी होल्स इन अ पोलो में तो कोई पोलो। होल नहीं होता यार। पोलो तो वो गेम है ना जो हॉर्स पे बैठ के, वो जो हॉकी हॉर्स पे बैठ के, वो हॉकी टाइप गेम जो होती है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यस, तो उसमें क्योंकि कौन वो सा तो होल? बॉल को लेके जाते हैं और वो पोल्स के बीच में लेके जाते हैं, उसमें पोल्स होते हैं, होल्स तो नहीं है होते। ना, तो या हाउ मैनी हाउ होल्स मेनी इन, होल्स इन अ मेरे ख्याल पोलो? में ये स्पेलिंग की बात कर रहे होंगे, दो होंगे। ओ अच्छा, तो पोलो तो या एक दो, दो। एक पी में भी है ना। थ्री ट्राई करें। थ्री। थ्री थ्री ट्राई एक मिनट, करें। इसको जरा थोड़ा वन सा टू गौर थ्री से, फोर थोड़ा सा गौर से पढ़ लेते। हाउ मेनी होल्स इन अपोलो। इन अपोलो मतलब होल्स नहीं होते, उसमें पिलर्स होते हैं। ये हाँ। तो बात है कि ये गेम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो क्योंकि रही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस है, में कहा है कि कोई इनसेन से क्वेश्चंस भी होते हाँ, हैं यहाँ पे इसमें। गेम की बात इनसेन नहीं लॉजिक है। यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, तो ये हाउ मेनी होल्स इन अपोलो, अगर स्पेलिंग की बात हो रही है तो अपोलो फिर एक ही उसमें आएगा, मतलब ये एक इन्वर्टेड में आएगा फिर। आई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। थिंक तो 3 है, 4 है, चार है, एक के बीच में भी है, ए क्योंकि भी है ये ना। एक के बीच में भी एक है होल। हाँ, होल करें ट्राई। यार क्या कहते ट्राई है, ट्राई कर हो? लेते हैं। चलो, दो। फोर। ओ यस, या ओ, मोबाइल गिर गया एक सेकंड। मोबाइल गिर गया, मोबाइल टेबल पर ओके रखा। अच्छा जी, ये कैन अ मैच बॉक्स? कैन कैन अ मैच अ बॉक्स? मैच बॉक्स। यस, नो, नो बट अ टिन कैन, यस वन बीट माइक टायसन है। ये क्या है? यस वन बीट माइक टाइसन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये मैच जो है वो बॉक्स कर सकता है, तो आंसर नंबर 4 कह रहा है कि उसने एक दफा माइक टाइसन को बीट किया। कैन अ मैच बॉक्स कैन अ मैच बॉक्स? बॉक्स मैच बॉक्स मैच बॉक्स कैन अ मैच बॉक्स। सोचने का है, ये भी इसी तरह का कोई सिली सा ही होगा। यस नो देखो, यस नो और नो तो या नहीं हो सकते। नहीं, यस और नो तो नहीं हो सकते, कर सकता कि नहीं कर सकता, ये तो आउट हो गए। ये दो आउट हो गए, फिर वो तो छोड़ो। नीचे
कि उसमें वन बीक है माइक माइक टाइसन। यस वन बीट माइक टायसन, यस नो यस नो बट यस ए टेन कैन। टेन का क्या मतलब है यहाँ पे? 1 मिनट, 10 कैन वो मैच का बॉक्स होता है ना, और हाँ 10 का कैन होता है। ये ओहो, ओके, ये क्या है? एस डी आर ए SDRA डब्ल्यू के सी ए बी स्ट्राउ कैब नोइट स्यूक सीट यूसना के ओ व्हाट व्हाट आई डोंट मैं अंडरस्टैंड। समझ गया। डायरेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन बैकवर्ड्स। ओ उल्टा लिखा उल्टा हुआ है। लिखा हुआ है और ये मैं कैसे आंसर। समझाऊं? एक हाँ मिनट, हाँ ये मैं कैसे समझाऊं? फुल स्टॉप से। नहीं, फुल स्टॉप से नहीं, मैं दिस से समझाऊं। SIHT, तो ये इसको उल्टा करो तो दिस हो जाता है। सो आंसर दिस क्वेश्चन बैकवर्ड। सो व्हाट के ओ व्हाट तो ठीक है ना, आंसर आई दिस डोंट। क्वेश्चन बैकवर्ड्स, तो ओके को के ओ कर देते हैं। हाँ, और उल्टा ये एंड उल्टा वाला क्या आंसर, है? टेनिस टेनिस एल्बो? एल्बो नहीं, ये के ओ। ओके के ओ होगा। के ओ ये क्लिक दिमाग। द आंसर, ओके, क्लिक द आंसर। आउट ऑफ ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर आउट ऑफ व्हाट द हेल? ऑर्डर। क्या कहते हैं? क्लिक द आंसर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ आंसर पे क्लिक करो जरा ऊपर। هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. put the mouse on here. अच्छा, नाउ next डोंट question, टच ब्लू। now don't touch blue. तो उधर कैसे जाएं भाई, बाहर से अंदर से किधर से जाएं? यहां से निकलेंगे ग्रीन पे तो नहीं, ब्लू इसने पे कहा कि तो डोंट टच ब्लू ना, डोंट टच ब्लू, तो डोंट टच ब्लू, ये वाला ब्लू ना टच करेगा, ये जो ब्लू लिखा बाकी हुआ भी तो सारा ब्लू है ना। जाऊं निकलूं यहां से? नहीं। नहीं, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा इसमें भी कुछ है। ये माउस अगर मैं स्क्रीन से बाहर निकाल लूं तो क्या होगा? निकाल दो, बच गया, बच गया। उस साइड पे देखिए हम। घुमाते हैं। हाँ सही है ना, हाँ सही है, आ सही गया है, आ सही गया है, आ गया सही है, आ गया सही है। भाई, वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। सही आ गया आ सही गया आ सही गया आ है। गया आ गया। हाँ जो ये फिर से ऐड आ नाइस गया यार। है। अंडर अंडर रूट रूट ऑनियन, ऑनियन ऑनियन अंडर रूट 28 ये तो कैरेट मैथ, ये मैथ का है क्या? क्या पाई शैलट पाई 28 कैरेट? अंडर रूट ऑनियन, अंडर रूट देखो, ऑनियन 28 तो नहीं हो सकता, नहीं, 28 तो नहीं हो सकता, पाई भी क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनियन को आपने क्या करना है? अंडर रूट अंडर करना रूट है, करना है, मतलब कि हाफ करना है। कैरेट शैलट्स, शैलट्स वो नहीं होते छोटे छोटे प्याज जो होते हैं, है ना? एक तो मिनट, अगर इस पे बड़े ऑनियन को अगर हम रूट करेंगे तो तो उससे छोटे छोटे शैलट्स बन जाएंगे। हमारे ये पास तो तो थ्री इजी है लाइव्स ना, हैं। ये तो इजी हाँ, है। थ्री लाइव्स हैं फिर भी। चलो, ओके, द द आंसर आंसर इज इज रियली रियली बिग। बिग। ये तो रियली बिग आंसर है, ये रियली बिग है, इन्फिनिटी है, एन एलिफेंट है। द आंसर इज व्हाट इज दिस? रियली बिग, रियली बिग व्हाट इज दिस? आंसर। इन्फिनिटी एंड एलिफेंट। द आंसर इज रियली बिग। एक तो आंसर लिखा हुआ है जो कि रियली बिग है, नहीं, ये तो नहीं हो एक सकता। है रियली बिग। अगर ये होता तो इन्होंने डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बोलना था ना। इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी तो नहीं हो इन्फिनिटी सकता। लार्ज होगा, ये बिग एलिफेंट है, एंड एलिफेंट। साइज की बात हो रही है ना। हाँ, तो अगर एलिफेंट रियलिटी में बिग की बात करें तो फिर तो तो फिर एलिफेंट है। एलिफेंट है।
लेकिन अगर सिली लॉजिक्स करें तो फिर रियली बिग आता है, तो क्या करें? लेकिन अगर रियली बिग होता तो ऊपर ये हमें लिख के देते कि द आंसर इज रियली बिग। यस, ये बात भी है। हमारे पास 3 lives भी है, तो इट मींस कि हम एक रिस्क ले सकते हैं, और क्योंकि ये दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और अगर कोई आदमी ये गेम खेलता और ये वाला क्वेश्चन आता द आंसर इज रियली बिग, तो वो रियली बिग पर ही क्लिक करता, तो ये नहीं होगा। अच्छा, आई तो कि ये इतना तो इजी नहीं करेंगे, तो आंसर पे क्लिक करें। लेकिन अगर सिलीनिस की तरफ देखा जाए और लोगों के माइंड के साथ ये खेलते हैं, तो हो सकता है कि रियली बिग ही आंसर हो, है ना? लेकिन रियली बिग ही आंसर हो, लेकिन ये सोच रहे हैं कि लोग सोचेंगे कि ये रियली बिग नहीं होगा, तो इसलिए वो रियली बिग। अरे कहना क्या चाहते हो? वो रियली बिग तो 90% चांसेस है कि ये आंसर नहीं है, और 10% है कि ये है। तो अब अगर हम लोग उनके उनकी तरफ से देखें, तो वो ये सोच रहे हैं कि सब ये सोचेंगे कि रियली बिग अगर इन्होंने लिखा हुआ है तो रियली बिग आंसर नहीं होगा, हालांकि रियली बिग ही आंसर होगा। तो आई थिंक, तो उनके सोच पे जाएं या अपनी सोच? आई थिंक कि हम पहले उनकी सोच पर जाएंगे। क्या करें, रियली बिग कर दें? और आई थिंक एक लाइफ खैर अगर हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10 questions हम चले। जी 3, 2, 1 ओ फिश। ओके, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा, यार पता नहीं क्यों मेरा तो एक ध्यान जा रहा है ये 1 पे, आंसर पे। अब एलिफेंट करें, और रियलिटी का तो नहीं पूछ रही है। रियलिटी में तो फिर एलिफेंट है, तो 3 questions हम और खेलेंगे ना। हाँ, 10 हाँ, तक खेलेंगे। एलिफेंट कर दें? चलो कर लेते हैं, एलिफेंट कर लेते हैं। चलो हाँ, सही हो गया ना। ओके, क्या सर्च? सर्च क्या सर्च करें? अच्छा, डू नॉट वांट वांट है। अच्छा, कर्सर घुमाओ स्क्रीन है। No. आई बैंगन। कीप लुकिंग, कीप लुकिंग। क्या क्रॉस? ये सर्च क्या करना? ये यस करना है कि क्या करना? ओके, व्हाट वाज द आंसर टू क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 था क्या वैसे? दैट वन पोलो था। दैट वन, एक मिनट, फर्स्ट था पोलो, हाँ, और सेकंड था कैन अ मैच बॉक्स। कैन अ मैच बॉक्स, नो बट अ टिन कैन। तो वो कहां पे था? यहां पे यस था, यहां पे नो था, यहां पे वो माइक टाइसन वाला था, यहां पे था, यहां पे था ना? यस, नो बट अ टिन कैन। यस, तो क्वेश्चन 2 का आंसर था ये। लेकिन अगर हम यहां क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि हम ये क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा, वो वाला क्लिक करेंगे तो ये करेंगे तो ये क्लिक होगा ना, तो ये करें। हाँ, ये वाला करो। ये चूज फूड। चूज फूड, इसमें फूड किधर है? फूड तो ये लिखा हुआ है ना, तो इस पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस पे क्लिक नहीं हो रहा। चूज फूड, अच्छा ये क्लिक हो रही है। पिन, कुर्सी, आई बॉल, ग्लव, ये है। चीज फ्राइज है ना? फ्राइज बन रहे हैं ना? फ्राइज बन रहे कि चीज बन रहे? पता नहीं, जो भी बन रहा है, लेकिन यही हो सकता है। हाँ। क्या बात है यार, सोच रहे थे कि यार गेम जो है ये पहला स्किप मिल गया है। ठीक है, व्हाट फॉलोज डिसेंबर, ये तो 11th क्वेश्चन है ना? ये तो 11th क्वेश्चन है। चलें जी, तो आगे फिर कभी खेलेंगे यार। ये बड़ा, ये 10 questions काफी थे, क्योंकि हम इतना ड्रैग भी नहीं कर सकते कि आप लोग हाँ, देखते देखते बोर हो जाए। लेकिन यकीनन बोर तो नहीं होंगे, ये तो बड़ा जबरदस्त गेम है। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त गेम। चलें, क्वेश्चन नंबर 11 आपने स्क्रीन पे देख लिया, तो आप जरा कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट फॉलोज डिसंबर 2nd? ठीक है, व्हाट फॉलोज डिसंबर 2nd? पहला ऑप्शन है डिसंबर 3rd, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क, और चौथा ऑप्शन है 142।
ड्वार्फ्स। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताएं, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर 11 से आगे 20 तक जाएंगे और देखेंगे कि आगे आगे कौन से कौन क्वेश्चंस से हैं और क्वेश्चंस हम लोग हैं, कितना तक लॉजिक क्या स्कोर है कर और सकते सिली हैं। क्या है। हमारे पास दो लाइव्स हैं तो, और एक स्किप का ऑप्शन भी हमारे पास आ गया है, तो देखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब और तक आप के लोग लिए हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे व्लॉग्स में भी, गेम्स में भी, इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे जब जब आएगी, हाँ जब क्योंकि जब जरूरी आएगी। नहीं है कि हर दिन मैं बिल्कुल न्यूज चैनल्स की तरह आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल मतलब बस न्यूज ही सुनाता रहूं, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं न्यूज व्यूज के जरिए आप लोगों को बताऊंगा। अदरवाइज हम लोग आपको एंटरटेन करेंगे, और भी गेम्स ला रहे हैं, और भी वीडियोस ला रहे हैं, और जितनी भी चीजें हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रेस में हम लोग जी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हाँ आप लोग स्ट्रेस से निकले। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, फैलाएं, लाइक करें, और सब्सक्राइब बटन पे पता नहीं जो करना चाहें करें, मारें, पीटें, तोड़ें, जो करना करें, लेकिन बस दबाएं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।